24 घंटे के अंदर मुझे डायमंड रिंग ला के दो, वरना तो भूल जाओ मुझे। और वो फटीचर तो मुझे 24 घंटे क्या, 24 साल में भी डायमंड रिंग नहीं दिला पाएगा। ये क्या किया डिंपल्स, तुम लकी का वो राज नहीं जानती जो मुझे अभी पता चला है। लकी तुम पागल हो क्या, तुम्हें क्या लगा कि तुम एक सस्ती सी रिंग लेके आओगे, मुझे शादी के लिए प्रपोज करोगे और मैं हाँ कर दूंगी। लकी एक बहुत ही गरीब लड़का था जो अपने कॉलेज की फीस भी बड़ी मुश्किल से भर पाता था, फिर भी उसने जैसे तैसे पैसे जोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड डिंपल को प्रपोज करने के लिए एक अंगूठी खरीदी, लेकिन डिंपल ने वो सस्ती अंगूठी पहनने से साफ मना कर दिया। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ डिंपल, और कॉलेज खत्म होते ही मेरी जॉब लग जाएगी, फिर मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे कर दूंगा। एक सेकंड, जॉब तो तुम्हारी तब लगेगी जब तुम कॉलेज पूरा कर पाओगे। सेमेस्टर की फीस भरने के तो पैसे है नहीं तुम्हारे पास, बड़े मेरे सपने क्या पूरे करोगे? फिर ऐसे क्यों बनी मेरी गर्लफ्रेंड? क्योंकि मैंने अक्सर तुम्हें बड़े और अमीर लोग के साथ घूमते हुए देखा था, बड़े बड़े होटल्स में जाते हुए देखा, तो मुझे लगा कि तुम भी अमीर हो गए। लेकिन मुझे क्या पता था तुम तो गरीब से पता निकलोगे यार, ये लकी फटीचर। वैसे आज ना तुम मुझे बताई दो कि तुम जैसा सब फटीचर आदमी इतने बड़े और अमीरों के साथ कैसे उत्तर रखता है? मैं यहाँ तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर रहा हूँ और तुम अमीरों की बात कर रही हो। देखो लकी, मेरा बॉयफ्रेंड गरीब है, चलो ये तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया यार, लेकिन गरीब आदमी से शादी करके अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। और अगर तुम्हें तो शादी करनी है ना, तो तुम्हें 24 घंटे के अंदर मुझे एक डायमंड रिंग देके प्रपोज करना होगा, वरना मुझे भूल जाओ। तो फिर ठीक है। इतना कहकर लकी वहाँ से चला गया और डिंपल ने विशाल को फोन किया। हेलो विशाल, अभी ना वो लकी आया था। ओह शिट, कहीं उसे हम दोनों के बारे पता तो नहीं चल गया? अरे नहीं यार, वो तो यहाँ मुझे प्रपोज करने के लिए आया था अपनी सस्ती सी घटिया वो रिंग लेके। मैंने तो बोल दिया 24 घंटे के अंदर मुझे डायमंड रिंग ला के दो, वरना तो भूल जाओ मुझे। और वो फटीचर तो मुझे 24 घंटे क्या, 24 साल में भी डायमंड रिंग नहीं दिला पाएगा। ये क्या किया डिंपल्स, तुम लकी का वो राज नहीं जानती जो मुझे अभी पता चला है। आखिर क्या है वो राज जिससे डिंपल है बेखबर? क्या रिश्ता है डिंपल और विशाल का? कैसे लकी जैसा गरीब लड़का जानता है शहर के सबसे बड़े रईसों को? क्या लकी अंगूठी लेकर आ पाएगा? अगर हाँ तो कैसे? कहते हैं कि दिल्ली दिलबरों की है, दिल जलों की है, कहते तो ये भी है कि दिल्ली दिल फरेबों की भी है। और लकी यानी कि लक्ष्मण लाल अग्रवाल में ये सारे गुण मौजूद थे। लोग उसकी शक्ल को देखकर कह देते थे कि दिल्ली से हो क्या। लकी वैसे दिखने में स्मार्ट और अट्रैक्टिव था, पर जेब से खस्ता होने की वजह से रहता सिंपल तरीके से था। शर्ट का रंग उड़ा हुआ और पैंट से पेबन जुड़ा हुआ। कहने को तो उसकी उम्र के लड़के दिल्ली की सड़कों पर रात को मोटर बाइक दौड़ाते थे, लेकिन लकी उर्फ लक्ष्मण लाल अग्रवाल सिर्फ कमरे से कॉलेज में पढ़ाई और गर्लफ्रेंड डिंपल के साथ थोड़ा वक्त बिताना। एपिसोड 1, कहते हैं दिल्ली दिलबरों की है, दिल जलों की है, कहते तो ये भी है कि दिल्ली दिल फरेबों की भी है। और लकी यानी लक्ष्मण लाल अग्रवाल में ये सारे गुण मौजूद थे। लोग उसकी शक्ल को देखकर ही कह देते थे दिल्ली से हो क्या। लकी वैसे दिखने में स्मार्ट और अट्रैक्टिव था, पर जेब से खस्ता होने की वजह से रहता सिंपल तरीके से था। शर्ट का रंग उड़ा हुआ और पैंट से पेबन जुड़ा हुआ। कहने को तो उसकी उम्र के लड़के दिल्ली की सड़कों पर रात को मोटर बाइक दौड़ाते थे, लेकिन लकी उर्फ लक्ष्मण लाल अग्रवाल सिर्फ कमरे से कॉलेज में पढ़ाई और गर्लफ्रेंड डिंपल के साथ थोड़ा वक्त बिताना, फिर कॉलेज से दुकान से जब होम डिलीवरी आए तो यहाँ और फिर घर चले जाता था। हाँ, कभी जब वो किसी लड़के को खाली सड़क पर मोटर बाइक दंदनाते हुए देखता तो कहता एक दिन अपना टाइम आएगा जब मैं चश्मा लगा के बैठूंगा और मेरे पीछे डिंपल को बिठाऊंगा, देखना जब वो मेरी कमर पे अपना हाथ कसेगी और मैं तेजी से मोटर बाइक को इंडिया गेट के आसपास दौड़ाऊंगा तो सारे दिल्ली का दिल हम दोनों को देखकर जल जाएगा।
दुकान में रखा हुआ बर्नॉल भी काम नहीं आएगा, लकी ने कहा और अपने हाथ में बर्नॉल की क्रीम को दबा दिया। जैसे ही उसने क्रीम को दबाया उसका ढक्कन खुल गया और उसमें से सारी क्रीम बाहर आ गई। अबे गधा है, क्या कर रहा है? वो कोई स्पंज की गेंद है जो दबा रहा है। दुकान के मालिक ने उसको फटकारा और उसके माथे पर एक चपत लगा दिया। सॉरी सर, आई एम सो सॉरी, लकी ने अपना सिर बचाते हुए कहा। वो करोल बाग में स्थित एक छोटी सी मेडिकल स्टोर पे काम करता था। उसकी दुकान का नाम था चमन मेडिकल स्टोर और उसके ओनर का नाम था चमनलाल। लकी पिछले 5 सालों से इन्हीं दुकान पर काम कर रहा था। यहाँ इस छोटी शॉप पर काम करना उसकी मजबूरी थी। लाइफ में कंगाली की वजह से उसे कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करनी जरूरी थी। उसने कई जगह अच्छी तनख्वाह की नौकरी ढूंढी पर नहीं मिली और वो इस मेडिकल स्टोर पर अटका रह गया। गधे, अब इसके पैसे तेरा बाप भरेगा? कटेगा, इसका पैसा भी तेरी तनख्वाह से कटेगा और MRP से डबल कटेगा, चमन ने अपने दांतों को किचकिचाते हुए कहा। गुस्से की वजह से उसकी नाक फूल गई थी और लकी की सांसें। उसने घबराते हुए ओनर से पूछा, MRP से डबल क्यों सर जी? ताकि अगली बार से ऐसी कोई हरकत करने से पहले तो डबल बार सोचे, चमन ने कहा और उसके हाथ से ट्यूब छीन ली। उसका जी तो चाह रहा था कि वो लकी की खोपड़ी पर एक और बार अपने हाथ साफ कर ले, लेकिन उससे पहले ही दुकान का फोन बजने लगा। फोन की घंटी बजते ही लकी को वहां से निकलने का मौका मिल गया और वो भागते हुए फोन उठाने के लिए चला गया। हेलो जी, करोल बाग के बेस्ट मेडिकल स्टोर चमन मेडिकल स्टोर से बोल रहा हूँ, बताइए क्या काम था? ये लकी की पेटेंट लाइन थी, चाहे कहीं से भी फोन आए लेकिन उसे फोन पर बस यही बोलना था। जैसे ही इधर से लकी ने अपनी बात कही उधर से उसे जवाब आया, मैं ब्लूमिंग नाइट्स होटल के कमरा नंबर 303 से बात कर रहा हूँ, एक छोटा सा ऑर्डर है, नोट करो और जल्दी से होटल पर डिलीवरी करवा दो। वो एक लड़की की आवाज थी, उसकी आवाज में काफी भारीपन और एक अजीब सी जल्दबाजी थी। जैसे ही लकी ने वो आवाज सुनी पता नहीं क्यों लेकिन उसको ये आवाज जानी पहचानी सी लगी। जी बताइए सर, आपका क्या ऑर्डर है? हाँ तो लिखो, हार्ट प्ले के 2 पैकेट और 1 पैकेट टिश्यू। लकी जो कि अपना पेन लेकर तैयार खड़ा था, हार्ट प्ले का नाम सुनते ही झिझक गया था। असल में हार्ट प्ले नाम का एक कॉन्डम आता था और इसीलिए उसका नाम सुनते ही लकी शर्मा गया था। इतने साल से भी मेडिकल स्टोर की दुकान पे काम करने के बाद भी उसे इन चीजों का नाम सुनते शर्म आ जाती थी। हेलो भाई, लिखा है कि नहीं? उस आदमी ने फिर से लकी से पूछा। जी सर जी, लिख दिया सर, लकी ने किसी आकर हंसते हुए कहा। लिख लिया तो फिर लेकर निकलना, उस लड़के ने कहा। उसकी आवाज सुनकर ही ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि वो कोई बहुत बड़ा आदमी था। जी सर, लेकिन बाहर तो बारिश हो रही है, लकी ने कहा और उसने बाहर देखा तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। उनकी दुकान के सामने पानी भर गया था और तेज हवाओं की वजह से चमन मेडिकल स्टोर का बोर्ड भी गिर गया। लकी को लग रहा था इतनी तेज बारिश में वो एकदम से तो नहीं निकल पाएगा, तो उसने उस लड़के को समझाते हुए कहा, सर मैं आपका ऑर्डर ले तो आऊंगा पर थोड़ा टाइम लगेगा, बारिश थोड़ी थम जाए आप। इससे पहले वो कुछ आगे बोल पाता फोन पर लड़का बोल पड़ा, तुम्हारे मालिक को पता है कि तुम मल्होत्रा जी के लड़के से बात कर रहे हो, इसीलिए सारा सामान अच्छे से थैली में पैक करके लाना और लेट नहीं होना चाहिए, समझे? उस लड़के ने कहा। और इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता उसने फोन कट कर दिया और इससे पहले लकी कुछ कह पाता उसने फोन काट दिया था। उधर से लकी की दुकान का ओनर उसे घूर के देख रहा था। लकी के हाथ में पेन और पेपर देखकर ही वो समझ गया था कि उसके पास कोई ऑर्डर आया था। लकी के हाथ में पेन और पेपर देख के वो समझ गया था कि उसके पास कोई ऑर्डर आया था। आज वैसे भी इतनी बरसात होने की वजह से सुबह से इक्का दुक्का ग्राहक ही दुकान पर आए थे, ऐसे में उसकी दुकान का मालिक एक भी ऑर्डर छोड़ना नहीं चाहता था। वो लकी को देख रहा था और लकी बारिश की ओर देख रहा था।
बारिश का बहाना नहीं चलेगा, जाना पड़ेगा। मैं बहाना नहीं कर रहा, थोड़ी बारिश धीमी हो जाए तो मैं चला जाऊंगा। अभी आप खुद ही देखिए कितनी तेज बारिश है। वो पता नहीं कोई मिस्टर मल्होत्रा का बेटा कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहा है, मैं साइकिल से पहुंच तो नहीं पाऊंगा इतनी जल्दी। लकी ने उनकी ओर देखते हुए कहा। क्या कहा? मिस्टर मल्होत्रा का बेटा? तू मेरी दुकान बंद करवाएगा क्या? अभी के अभी निकल ऑर्डर लेके, वो हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं, चमन ने कहा। पर लकी ने कहा ही था और चमन ने बोला, पर वर कुछ नहीं, तू मेरी मोटरसाइकिल ले जा, उन्होंने गुस्से में कहा। अरे सर जी, 200 के ऑर्डर में मुश्किल से 40 रुपए बचेंगे, इससे 3 गुना का तो पेट्रोल ही लग जाएगा, और अगर गाड़ी रास्ते में बंद हो गई तो और खर्चा, लकी ने समझाते हुए कहा। वो जानता था कि उसका मालिक इन सब बातों पर ध्यान नहीं देने वाला था। चमनलाल बोला, कोई बात नहीं, तू जा, चाहे जो हो जाए ग्राहक नाराज नहीं होना चाहिए, और वो तो मल्होत्रा जी का बेटा है। चमनलाल ने मोटरसाइकिल की चाबी लकी की ओर उछालते हुए कहा। लकी ने चाबी ली, उसे देखकर उसके अंदर मिक्स फीलिंग्स आई। एक तो वो खुश हुआ कि बड़े दिनों बाद बाइक चलाने मिलेगी, पर वही दूसरी तरफ दुखी इसलिए हुआ कि बाइक मिली तो भी लेकिन इतनी तेज बारिश हो रही है, अगर खराब हो गई तो उसकी चपत भी इसके सर ही पड़ेगी। वो मुंह लटकाकर रेनकोट और हेलमेट पहनते हुए वहां से निकल गया। चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, कम से कम बाइक चलाने तो मिल रही है। दरअसल लकी इतने साल काम करने के बाद भी अपने लिए एक मोटरसाइकिल भी नहीं खरीद पाया था। लकी की तनख्वाह ही इतनी भर थी कि सिर्फ उसके कमरे का किराया, उसकी साइकिल में डालने वाली हवा का खर्चा, बिजली पानी का बिल और डिंपल के साथ महीने में एक दो बार बाहर खाने का खर्चा ही निकल पाता था। लकी, अगर अगले 2 महीनों में बाइक नहीं खरीदी ना तो तेरा मेरा ब्रेकअप। असल में डिंपल को लकी के साथ बाइक पर घूमने की बड़ी तमन्ना थी। लकी की इस उजाड़ जिंदगी में वो एक ही तो थी जिसके लिए जिंदा रहने को उसका जी चाहता था। जब भी वो उसकी बाइक की बात करती तो लकी डिंपल की इस बात को हंसकर टाल देता था। वो अपने मन में इस बात को अच्छे से जानता था कि डिंपल उससे बहुत प्यार करती थी और वो उसे कभी छोड़ के नहीं जा सकती थी। वो दोनों एक दूसरे में ऐसे घुल मिले थे जैसे बादल में बरसात घुल जाती है। लकी को डिंपल बहुत पसंद थी और वो उसके लिए दुनिया जहां की खुशियां खरीद कर ला देना चाहता था। वो चाहता था कि एक दिन वो डिंपल को प्लेन में बिठाए, लेकिन उसके ये सब ख्वाब इस कम तनख्वाह की नौकरी की वजह से तो कभी पूरे नहीं होने वाले थे। पर आज उसके पास ये मौका था, वो डिंपल को अपने साथ इस बारिश में राजपथ घुमाना चाहता था, वो उसे दिल्ली दिखाना चाहता था। चमनलाल को देने के लिए उसने पहले से ही बहाना सोच रखा था, बस जल्दी से वो ये डिलीवरी देकर सीधा डिंपल के पीजी पर जाने वाला था। उसने होटल ब्लूमिंग नाइट्स के बाहर मोटर बाइक पार्क की और सीधा होटल के अंदर चला गया। लकी ने रिसेप्शन पर पहुंचकर नमस्ते करते हुए रिसेप्शनिस्ट को बोला, जी मैं चमन मेडिकल स्टोर से आया हूँ, रूम नंबर 303 का ऑर्डर था। रिसेप्शन पे खड़ा हुआ आदमी उसके हाथ में काली थैली को देखकर ही समझ गया था कि उसमें क्या था, और वो मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला, 3rd फ्लोर पर है, लिफ्ट से चले जाओ, रेनकोट यहीं उतार देना। जैसे ही उस आदमी ने कहा, लकी ने वैसा ही किया और लिफ्ट में चढ़ने के कुछ ही देर बाद वो 3rd माले पर पहुंच गया था। वो रूम नंबर 303 के बाहर पहुंच गया था और उसने डोरबेल बजाई। जैसे ही दरवाजा खुला, लकी ने थैली आगे बढ़ाते हुए कहा, नमस्ते, मैं मेडिकल स्टोर से लकी, ये आपका। इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने अपने सामने जो देखा उसके बाद उसे ऐसा लगा कि बंद छत के नीचे भी उसके ऊपर आसमान से आकर एक जोरदार बिजली गिर गई थी। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड डिंपल थी। उसने एक पर्पल कलर का नाइट सूट पहना हुआ था, उसके काले घने बाल गीले थे और उसने उन्हें अपने कंधे पर फैला रखा था। उसकी खुशबू से तो यही चीज साफ पता चल रही थी
कि वो अभी अभी नहा कर आई थी। डिंपल, डिंपल तुम यहां क्या कर रही हो? लेकिन वो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। उसने दो बार अपनी पलकें झपकाई, लेकिन दोनों बार उसे अपने सामने डिंपल ही नजर आई। तुम यहां मेरा पीछा करते हुए आए हो? डिंपल ने उल्टा उसी के ऊपर पलटवार करते हुए कहा। लकी को देखकर उसके दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि लकी यहां आ जाएगा। उसने ना तो सुबह से उसे फोन किया था और ना ही उसके मैसेज का कोई जवाब दिया था। वो अपने मन में सोचकर बैठी थी कि अगले दिन वो खुद ही उसे मिलकर बोल देगी कि उसकी तबीयत खराब थी। डिंपल बीबी, क्या हो गया? किससे बात कर रही हो? अचानक से एक गबरू जवान सा लड़का दरवाजे के पास आके खड़ा हो गया था। उसने बनियान और शॉर्ट्स पहना हुआ था। लकी उसे पहचान गया था। साले राहुल के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी डिंपल को हाथ लगाने की? लकी ने जैसे ही राहुल को देखा, उसके तन बदन में मानो आग लग गई थी। वो उसे इस वक्त इतना बुरा मारना चाहता था, इतना बुरा पीटना चाहता था, जिसकी कोई हद नहीं थी। लकी जिस कॉलेज में पढ़ता था, राहुल और डिंपल भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे, और वो कॉलेज राहुल के फादर का ही था। डिंपल ने राहुल के पिता की एक कंपनी में जॉब पकड़ ली थी और राहुल उस पर बहुत लाइन मारता था। लकी ने एक दो बार डिंपल को उसे दूर रहने के लिए भी कहा था, लेकिन डिंपल ने उसे यह कहकर टाल दिया था कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे। आज भी इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, डिंपल उन दोनों के बीच में आ गई थी। रुक जाओ, डिंपल ने गुस्से में कहा और लकी के सीने पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। लकी लंबी सांसें ले रहा था और कुछ ही सांसों के बाद उसका गुस्सा शांत हो गया था। अब डिंपल के पास भी छुपाने के लिए कुछ नहीं रह गया था, इसीलिए उसने लकी से कहा, लकी आज से तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप। ब्रेकअप? लकी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसकी आंखें भी नम हो गई थी। लकी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने डिंपल की ओर देखा और बोला, डिंपल हम पिछले एक साल से साथ हैं और तुम हो कि मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो? अरे मैं तो तुम्हारे लिए बाइक भी लेने वाला था। अरे चल रहने दे, आज कहां से तुझे बाइक की याद आ गई? अरे तेरे पास मुझे घुमाने फिराने के, खिलाने पिलाने के पैसे तो है नहीं, तू कहां से लेगा बाइक? और अगर ले भी ली तो उसमें पेट्रोल कहां से डलवाएगा? तेरी 8,000 रुपए महीने की नौकरी से ये सब नहीं होने वाला, समझे? लोग हंसते हैं मेरे ऊपर जब मैं सरोजनी में तेरे साथ घूमती हूं। मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहती लकी, मैं तेरी तरह गरीब नहीं रहना चाहती। तूने मुझे फंसाया था, उल्लू बनाया तूने मुझे, इसलिए मैंने राहुल के साथ मैचअप कर लिया है। आज से यही मेरा बॉयफ्रेंड है, डिंपल ने गुस्से में कहा। अच्छा तो बेबी यही है तुम्हारा वो बेकार सा एक्स बॉयफ्रेंड? राहुल ने पूछा और डिंपल के बगल में आकर खड़ा हो गया। फिर उसने लकी के हाथ से थैली उठाई और उसमें जो हार्ट प्ले का पैकेट निकालकर राहुल ने पूछा और डिंपल के बगल में आकर खड़ा हो गया। फिर उसने लकी के हाथ से थैली उठाई और उसमें से हार्ट प्ले का पैकेट निकालकर उसे चिढ़ाने के लिए उसे हवा में लहराने लगा। बाप रे, इससे बदकिस्मत इंसान इस दुनिया में कौन ही होगा? राहुल ने उसकी टांग खींचते हुए कहा। लकी के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। उसने गुस्से से डिंपल को देखा और अपने हाथ की मुट्ठी भींच ली, फिर वहां से निकल गया। अबे पैसे तो ले जा, सब कुछ फ्री में दे जाएगा क्या? राहुल ने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा, लेकिन लकी बिना उसकी बात सुने हुए ही निकल गया। उसके दिमाग में डिंपल के कहे शब्द गूंज रहे थे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि डिंपल उसके साथ ऐसा कुछ कर सकती थी, जिस इंसान के लिए वो इतना कुछ करना चाह रहा था। उसे उसकी कोई कदर नहीं थी। लकी इतना हताश हो गया था कि बुरी तरह से रोने लगा था। इस बार वो लिफ्ट से नहीं, सीढ़ियों से नीचे उतरा और एक एक सीढ़ी उतरने के साथ उसके आंसू आंखों से छलकते जा रहे थे। जब उसकी आवाज सुनकर कुछ लोग अपने कमरे से बाहर आए तो लकी ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और तेजी से वहां से भाग गया। उसे जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ था और पैसों की कमी की वजह से ना सिर्फ उसका प्यार बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी।
जैसे ही लकी बाहर आया तो उसने देखा कि बाहर अंधेरा हो गया था। आसमान में तेज बिजली कड़की और बारिश जो थोड़ी थमी थी एकाएक फिर झमाझम बरसने लगी। ये देख लकी के थमे हुए आंसू एक बार फिर छलक गए। उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी हो रही थी, आखिर आज उसे डिंपल का असली चेहरा नजर आ ही गया था। वो तो उसके साथ घर बसाने का सोच रहा था, लेकिन अच्छा हुआ कि उसने पहले ही उसका घर बर्बाद होने से बचा लिया। लकी को दुख तो बहुत हो रहा था, पर उसे ये भी लग रहा था कि आगे चलकर यही दुख उसे खुशी देने वाला था। लेकिन और एक चीज थी जो लकी को परेशान कर रही थी, वो थी उसकी माली हालत। उसकी जेब इतनी तंग थी कि उसे फटी हुई जेब की पैंट पहनकर घूमना पड़ता था। कभी कभी तो लकी सिर्फ रोटी खाकर दिन काट देता था। वो कब से कोशिश कर रहा था कि कोई अच्छा काम पकड़ सके, लेकिन उसे कहीं कोई काम देने को राजी नहीं था। उसने टूटे हुए दिल को दिलासा देते हुए मन में सोचा कि डिंपल पर होने वाले खर्च बच जाने से शायद उसकी हालत कुछ सुधर जाएगी। अगर इतना ही अनलकी बनाना था तो फिर मेरा नाम लकी क्यों रखा भगवान? वो जितनी जोर से चिल्ला सकता था उतनी जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज से आसपास खड़े लोग एक बार को डर गए थे। लकी ऊपर ही देख रहा था और उसके आंसू बारिश के पानी के साथ मिल गए थे। जैसे ही वो फूट कर रोने लगा तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। जैसे ही लकी ने अपना फोन निकालकर उस मैसेज को पढ़ना शुरू किया, उस मैसेज में लिखा था, परिवार की रिसर्च और परिवार के निर्णय के हिसाब से अग्रवाल परिवार का वारिस लक्ष्मण लाल अग्रवाल उर्फ लकी ने गरीबी अभ्यास की परीक्षा को पास कर लिया है और आज से ही वो उस जमीन और उस जायदाद का मालिक हो जाएगा जो परिवार ने उसके नाम पर रखी थी। ये कैसा मैसेज था? आखिर कौन था लकी? क्या थी उसकी असलियत? और वो कैसे रातों रात ही अनलकी से हो गया था इतना लकी? जानिए हर सवाल का जवाब और सुनिए गरीबी और अमीरी की हैरान कर देने वाली कहानी इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। पॉकेट एफएम, डाउनलोड नाउ।